हाय रब्बा सट मरब्बा अद्धा नहीं थे पूरे डब्बा। ये लड़का ना ये पीली पीली टी शर्ट में बैठा है, इस लड़के को मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं इससे शादी करना चाहती थी आज से 2 साल पहले, फिर हमारी शादी होगी। वो नाइस 200-400 फालतू दे देना पर सही टाइम पे बचा। मेरी फटी पड़ी है। ओ मैं कच्ची ड्राइवर हूँ, हट जाओ। थोड़ी ऐसी की तैसी चढ़ जाएगी उत्ते गाड़ी। ओहो ये देखो स्पीड, ये देखो साइकिल, ये देखो मैम की कार। तो अभी क्या वापस ये अच्छा शौक था, मुझे बाहर कूदाओ इससे। हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सुबह की मॉर्निंग का जो जिम आया आज मैंने और राजा ने उठाया है, क्योंकि बच्चे वर्कआउट पर जाते हैं, थक जाते हैं, देर तक काम करते हैं, तो हमने सोचा आज गुड मॉर्निंग हम करेंगे, मैं और राजा। हेलो राजा गुड मॉर्निंग बोलो। आज हमने शुरुआत की है, अगर हमारी फुटेज अच्छी ना आए या हम कुछ गड़बड़ कर दे तो हमें दोनों को माफ़ करना बच्चों, क्योंकि हमने आज बड़ी हिम्मत करके कैमरा उठाया है। हाय बोलो हाय। और आज मैं राजा के आपको दिन भर की एक्टिविटी दिखाऊंगी, ये क्या करता है क्या नहीं करता है। सही है, मम्मा पापा को टाइम नहीं होता इतना कि वो दिन भर की फुटेज इसकी दिखा सके आपको, तो आज मैं और इसके पापा दिखाएंगे कि ये राजा दिन भर आपको सबको मिस करता है, अपने फैम को मिस करता है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो मैं रेडी हो गई हूँ जिम जाने के लिए, हालत बहुत ख़राब है लेकिन जाना पड़ेगा। एंड बस हम लोग लेट हो रहे हैं बिकॉज विवेक अभी तक एक्टिंग कर रहे हैं। बुक्का कब चलेंगे हम? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बस बाबू और हार्डली 15 मिनट, जस्ट 15 मिनट। इन्होंने मुझे 9 बजे से हटा के रखा हुआ है। तो आज खुशी ने टाइम को किया बीट, एंड आज खुशी टाइम से उठ गई थी 9 और 9:30 के आसपास, तो उसके बाद लेकिन एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन आज हम 3 बजे नहीं जा रहे हैं जिम, आज हम लोग जाएंगे 12 बजे। तो जल्दी जाओ, अगर लास्ट व्लॉग भी नहीं देखा उसे भी देख लो, यहाँ पे आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके। मिस्टर चौधरी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यस सब्सक्राइब जरूर करते रहें आप लोग, जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करते रहे, बिकॉज इस बार 2 मिलियन और 3 मिलियन के बीच काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो आप लोगों के हाथ में लाल बटन आ रहा है, नीचे जाके क्लिक करो, जल्दी दबाओ एंड सब्सक्रिप्शन ले लो। फ्री सब्सक्राइब बट रहा है फिलहाल, फ्री सब्सक्राइब। तो उस दिन कह रही थी कि मैं तो अनार का पीती हूँ, पापा को फंस गई। मुझे लग ही रहा था पापा उठ के गए कभी वो ना लेने गए हो। आपने पी क्या है? हाय पापा आप ले लो। पापा नहीं पापा पी लो। ना मैं शेक पी गया था। शेक पी गया, मेरे इससे का शेक पी गया तब ला के दिया मुझे ये। अरे भाई ये क्या है, इधर से भी रोड बंद कर दिया उधर से भी रोड बंद कर दिया, आप सामने अपने को जाना है कैसे जाए हम, वो रोड बंद करके रखा हुआ है। बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि गलत की लेके आ गया मैं नीचे से, 3rd फ्लोर पे जिम है। खुशबू बेटा आप मेरी हेल्प करोगे ना? मैं नीचे नहीं जाऊंगी। जाओ मेरा बच्चा जा बाबू, जाओ मेरा बच्चा। शेर हो आप, शेर। मैं शेर नहीं, मैं वही ठीक हूँ बंदर ही। बंदर हो मतलब शेर के मतलब यार कितनी इलॉजिकल चाबी है भाई। जब मेरे पास चाबी है तू है, खुल जाओ यार आपस में प्यार मोहब्बत से, सुलटा लो, स्थिति तो बनाओ जैसी। अगर ऐसी स्थिति बनाने लगे तो सब चोरी नहीं हो जाएगा सब सामान। अच्छा अच्छा। सो बाहुबली काम आया है ऐसे में, एंड ये है इसकी प्यार भरी चाबी, इनकी सेटिंग है आपस में। वही बात अभिषेक ने बोली जो मैं बोल रहा था कि अगर मेरे ऊपर आने के बाद आप मुझे बोल दो की लेके आ जाओ तो मैं भाग जाता घर वापस, लेकिन दोबारा ऊपर आने की हिम्मत ना करता। तो बॉडी बनाएंगे सब, जल्दी से जिम शुरू कर लेते हैं एंड फिर मिलते हैं आप लोग घर। सो वर्कआउट इज फिनिश एंड खुशी मैम का वर्कआउट जो है हो चुका है। अभी सब दिन से आ गया राजा, और राजा के एक साथ ध्यान ना खाने के ऊपर है। तेरी बुंगली पगल के चला ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते राजा, ले बातें करो। रेट में कुछ नहीं कर रहा। ऐसा कौन करता है बाबू, जिम से आते ही ना कुछ डाइट ना कुछ, कहते कड़ी चावल खाऊंगी मैं। तो भाई इसने कड़ी चावल के चक्कर में सबको परेशान करके रखा। फिर एक जगह भंडारा था, भंडारे से लेके आए कड़ी चावल। कैसे लग रहे हैं? बहुत टेस्टी। जो घर में टेस्ट आता है वो टेस्ट अलग होता है, ये बहुत मजेदार होता है। मजेदार होता है ना। सीमा दीदी को थैंक यू बोलो, सीमा दीदी ने ला के दिए। थैंक यू। सो फाइनली हम लोग हो चुके हैं रेडी। जिम से आके थोड़ी बहुत डाइट हो गई थी। पहले तो आज कड़ी चावल खाए काफ़ी टाइम बाद, बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद आज मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है मॉम एंड डैड से कि खुशी को ड्राइविंग सिखानी है। थोड़ी बहुत इससे आती थी लेकिन जब राजा हुआ तब बिल्कुल ही इसने छोड़ दी एंड फिर भूल गई बिल्कुल। तो आज हम चलते हैं। इसने ड्राइविंग वाले कपड़े पहन लिए, स्कूल वाले कपड़े अपने। बेटा ड्राइविंग सीखने जा रही हो तो स्कूल के कपड़े क्यों पहने? यूनिफॉर्म पहनी ना। मैं कहा सर साथ जा रहे हैं तो यूनिफॉर्म पहन के जानती हूँ। पापा मुझे बाइक सिखाएंगे, आप गाड़ी सिखाना। पापा चलो पहले एक काम करो, पहले बाइक ही सीख लो। नहीं यार पापा ने जान बचाने के लिए कहते आते। राजा भी वेट कर रहा है कि हम लोग कब आएंगे, फिर इसको घुमाने ले जाएंगे। राजा राजा कहाँ जाएगा घूमने? बेटा बताओ कहाँ जाएगी बुकी घूमने? कहाँ जाओगी? आज ने शॉर्ट्स पहने, कितना क्यूट सा लग रहा है ना। अब ये शैतानी करने लगा बहुत। बेटा क्या चक्कर आप? बेटा शैतानिया कट कर या करवे बहुता बनिया ना कर हीरो। राजा राजा डिंग डिंग लाख लाख डिंग डिंग। तो अभी जल्दी से हम लोग निकलते हैं, अदरवाइज हम लोग लेट हो जाएंगे। अभी मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है तो जल्दी चलते हैं एंड फिर एक बार देखते हैं वहाँ पे क्या सीन होता है। जो मैं ये काम करने जा रही हूँ ये एक तरह से मैं अपने बाबू पे एहसान करने वाली हूँ। इनको ये मेरा एहसान पूरी ज़िंदगी मानना चाहिए क्योंकि जब हम लोग यहाँ से पंजाब जाते हैं तो विवेक को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि 8 घंटे इनको कंटिन्यू गाड़ी चलानी पड़ती है। लेकिन वो तो चलानी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने शादी इतनी दूर करी है। मैंने तो समझाया था पास में लड़की देख लो कोई। लेकिन ये भी तो किसी किताब में लिखा ना कि सारी गाड़ी लड़का ही चलाएगा, मतलब सब तो नहीं। तो मैं इसीलिए तो कह रही मेरा एहसान मानो कि मैं आपका बोझ कम करने के लिए वैसे मैं गाड़ी चला लेती थी। चलो वो तो सब कमेंट करके बताएंगे कि ये एहसान मानने वाली बात हो रही है कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। और हाँ मैं तो खुशी को बोल रहा था कि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, यहीं से शुरू करते हैं सिखानी तुम्हें गाड़ी। बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, यहीं से शुरू कर देते हैं अपना गाड़ी चलानी। जब मैं गाड़ी सीख रही थी उस टाइम राजा की वजह से फिर मैंने बंद कर दी थी, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने सीख ली थी। तो हुआ क्या था, मैंने एक जगह बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा ली थी। इसको कहते हैं असली औरत की ताकत। अच्छा। हैवी ड्राइवर। बेटे तुम हैवी ड्राइवर हो। बेटे वो बोले हैवी ड्राइवर हो। बेटे मौज कर दी। और मुझे भरी रोड में अभी नहीं चलानी है क्योंकि अगर मैंने किसी को ठोक दिया तो मुझे रील कौन, मैं किधर बैठ के रील बनाऊंगी? तो मतलब अगर मैंने किसी को ठोक दिया तो मुझे जेल हो जाएगी, तो फिर मैं रील किधर बैठ के बनाऊंगी? जेल में। अभी रोड है बिल्कुल क्लीन एंड मैम का फेस देखो कैसा हो गया। बाबू क्या हुआ? नींद आ रही है। नींद डर लग रहा है। डर इसमें डर वाली क्या बात है, अभी चला दूंगी उधर ही। आपको मैंने बोला था मैनुअल सीख लो, मैनुअल बहुत सही रहती है सीखने। मैनुअल तो मुझे आती है, ऑटोमेटिक चलाऊंगी अब। ये देखो अब कुछ लोगों ने तुरंत आपकी गलती यही पकड़ ली होगी। मैनुअल हार्ड होती है, जबकि हार्ड होती है लेकिन आपने पहले सिखाई मैनुअल थी मुझे। अच्छा तो इसमें तो कुछ सीखना ही नहीं, फिर आपको सिर्फ डी पे करो एंड सीधा ब्रेक छोड़ो। हाँ, बस मेरे को ना मेरे साथ दिक्कत कुछ नहीं, मेरे साथ दिक्कत है अब मैं साइकिल चला रही थी घर, आपने देखा होगा। मैं अपनी तरफ से तो सीधा चलाती हूँ, खुद ही टेढ़ी टेढ़ी जाती है। ओ भाई ये कौन सा होता है, डर लग रहा है ना सुन के बाद। रोड सीधी जा रही है पर अपने आप तेज हो जाती है। हम मौसा जी के साथ वहाँ उनके गाँव में गए थे जब आपने नई नई सीख रहे थे, तो मैं रोड पे चला रही, वो खुद इधर इधर रो रही, खुद इधर उधर रो रही। मैं तो यार इधर ऐसे चला लूंगी बस, अगर कोई रास्ता में ना आए तो। बस इतनी होगी, मेरे पैर तो पहुंचेंगे नहीं इतनी में। क्या लुल्लू बंदे को गाड़ी सिखाने लाया है भाई। अब हो गया मैनेज। हाँ अब पैर पहुंच रहे हैं। नहीं यार ये तो बहुत दूर है भी। तो ये है एक्चुअल गाड़ी चलाने का तरीका। मेरे साइज टाइप ही है, मतलब मैं ऐसे गाड़ी चलाता हूँ एंड खुशी है, मतलब लाइक समझो यार आप सिनेरियो। मतलब मैं ऐसे गाड़ी चलाता हूँ, मैं सीट अरेंजमेंट ही रखता हूँ। अरे देखो लैग रूम, अभिषेक का लैग देखना। लैग रूम पर ये मेरा लैग रूम रहता है और वो अभिषेक का देखो लैग रूम। कमाल हो गए भाई, आज से भाई कमाल हो गए। अरे रेडी कुकू। ओ मेरी मैया मेरे को डर लग रहा है। सीधी चल रही है ना? इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। हां देखना है कि मैं सीधी चल रही हूं कि नहीं। नहीं पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, वो देखते हैं उसमें बेटा। मतलब वो तो सीधे, तो आप सामने देख के रखो। कहती पीछे वाले मिरर में देख लूंगी मैं कि मैं सीधी चल रही हूँ या नहीं। यार इतनी बड़ी गाड़ी क्यों है, छोटी गाड़ी से शुरू करना था। सीट बेल्ट पीछे चलेगी, सीट बेल्ट। ये सीट बेल्ट है। ओ भाई सीट बेल्ट बंदे से पीछे चलेगी। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बेसिकली हाईवे पे लेके आगे डे 1 ही खुशी को गाड़ी सिखाने, तो ऐसा नहीं है। ये हाईवे भी बना है, ये बेसिकली बंद है, बस 1-2 गाड़ी जो निकल रही है वो गाँव में जा रही है आसपास के। अदरवाइज ये नेशनल हाईवे है रुड़की से जो डायरेक्ट अम्बाला निकलता है, लेकिन अभी ये हाईवे प्रॉपर बंद है। भाई गुरु जी सीख जाऊंगी वो तो मैं जल्दी, लेकिन छोटी गाड़ी आल्टो ले दो मुझे। आल्टो ऑटोमेटिक ले दूं आपको। सो अगर किसी के पास ऑल्टो ऑटोमेटिक है या कोई भी उनके पास आइडिया है ऑल्टो ऑटोमेटिक कहाँ मिल सकती है, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आल्टो तो ऑटोमेटिक होती नहीं है। अरे यार ये तो आपको अभी पता लगा। चलो अगर है तो फिर भी बता देना कमेंट बॉक्स में जाके नीचे कमेंट करके। खुशी के लिए एक ऑल्टो 800 चाहिए हमें, वो भी ऑटोमेटिक। लेकिन इसमें और मैनुअल में क्या क्या डिफरेंसेस लगे आपको? यू नो आई एम प्रो ड्राइवर, तो वो कम्फर्टेबल थी, ये मोर कम्फर्टेबल है। मतलब वो मैं 120 में भगा लेती थी, ये मैं 140 भी लेके जा रही हूँ। ये क्या था भाभी? मैं 140 की स्पीड पे बोलते तो चलो, ये जो मेरी 140 की स्पीड है इससे मैं आपको बहुत जल्दी पंजाब भी लेके जा सकती हूँ। सिर्फ और सिर्फ लगेंगे 4 दिन। और जैसे ये सामने बच्चे हैं तो इनको हॉर्न देना है कि हट जाओ। भाभी जी हटे नहीं, वो बड़े बेशर्म है, हटे ही नहीं। ओ मैं कच्ची ड्राइवर हूँ, हट जाओ। थोड़ी ऐसी की तैसी चढ़ जाएगी उतने गाड़ी। अभी भी नहीं हटे, को डिसाइड कर दी। ठीक है बचा लिया मैंने। वो मेरे को आती नहीं, आगे खड़े तुम लोग फिर क्या होगे? मामी ने टक्कर मारती। एक चीज आपने नोटिस करी, वो गाड़ी मेरे से बहुत उल्टी साइड जाती थी, उसका ना शायद स्टीयरिंग खराब होगा। सही। वो 18,000 किलोमीटर ऐसे चलेगी, स्टीयरिंग खराब में। नहीं मतलब मेरे लिए खराब होगा, आपको तो आदत पड़ गई होगी ना चला के। अच्छा मतलब मेरे को यू नो गाड़ी में अगर थोड़ी सी दिक्कत हो तो मेरे से गाड़ी चलती है। ओके, तो बेसिकली इनका कहने का मतलब था जो हमारी स्विफ्ट है पहली कार, उसका स्टीयरिंग थोड़ा बहुत खराब था, इसलिए मैम से वो इधर उधर जाती थी। अदरवाइज ये तो इनसे एक बार भी इधर उधर नहीं गई। वाओ यार मैं कितनी स्पीड में, ये देखो स्पीड, ये देखो साइकिल, ये देखो मैम की कार। बाबू नहीं अभी बिल्कुल धमाल वाला सीन हुआ, आपको ओवरटेक करके निकले, मुझे लगा बाइक पे है वो। जब देखा देखो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इधर गुस्सा आ रहा है तो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। शर्म तो नहीं आ रही होगी बच्चों को हरा के रेस में? देख साइकिल क्या पता बाबू आपके बराबर में धमाल हुई वाला सीन हो गया था अभी। यार तो अभिषेक तो जो गाड़ी आती तो मुझे मजाक ले रहा है। ऐसे ही होने वाला, तो मुझे ना ऊपर से निकल के ना सनरूफ से तो बताया करना कि इतना बच गया, इतना कट रहा है। और किधर आ रहा है ये मामा? कहाँ जा रहा है तू? रॉन्ग साइड जा रहा है लड़का। चेक कर दो इसकी डिग्गी। नहीं इसका तो फ्रंट चेक हो जाएगा। अगर मुझे आपने ये कहा ना तो मैं परफेक्ट भी सीख गई कि मौसी वाली गली में मारनी, तो ये पक्का लगेगी। गाड़ी इतनी बड़ी है, मेरा क्या कसूर है इसमें? कंपनी को ऑर्डर देते हैं, छोटी करेंगे। छोटी उसको बोलो मेरी वाइफ के लिए छोटी बना के दो थोड़े दिन। नहीं उसको बोलो देखो मेरी वाइफ थोड़ी छोटी है तो उसके अकॉर्डिंग छोटी गाड़ी बना के दो जो अपने मायके लेके जा सके। कुछ नहीं है और रेस रो ब्रेक मारना। ठीक भाई साहब ने एक लोग कौन थे ड्राइवर ना, मैंने खुशी को पहले ही बोल दिया कि मैं क्या ब्रेक मारना नहीं, चेक कर देता ना आपको आज। अरे देख लिया ड्राइवर से माही तो देख लेता मैंने भाई। मैं बहुत हैवी ड्राइवर और काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चलाने के बाद मैं थक चुकी हूँ, तो मैंने विवेक को हैंड ओवर कर दिया क्योंकि यू नो पहले दिन है तो आप ऐसे चला दोगे 100-200 किलोमीटर, तो उसके बाद तो आप ऑब्वियसली थक जाओगे। तो मैं वापस ये अच्छा चौक था, मुझे बाहर कूदाओ इससे। ये जो इतने उछल रहे हैं ना, इन्होंने भी कुछ टाइम पहले गाड़ी सीखी। हाँ मुझे हो गए 13 दिन 29 घंटे 14 मिनट 12 मिनट आप। और आज हम जल्दी घर वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारी भाभी जी का बर्थडे है, हम उनसे भी आपको मिलाएंगे और उनके लिए गिफ्ट लेना है। तो अभी तक हमने सोचा नहीं है क्या गिफ्ट लेना है, अभी रास्ते में जाते जाते हम लोग सोच लेंगे। फिर एकदम जो आपको बाद वाला शॉट दिखेगा वो यही दिखेगा हम क्या लेने हैं। सो फाइनली हमारा गिफ्ट आ चुका है। एंड सिविल लाइन्स में हूँ मैं बेरुड़की में, एंड यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है तो जब तक मुझे थोड़ा टाइम लगा लेके आने में। सो ये है आईफोन एंड ये है खुशी। मुझे लगा जब तक मैं आऊँगा जब तक ये वेट करेगी, लेकिन मैम जो है वो सो चुकी हैं। तो अभी जल्दी से घर चलते हैं, फिर थोड़ा सा पार्टी में भी जाना है, तो पहले बाबू को चल के कुछ खिलाते पिलाते हैं और उसके बाद पार्टी में जाने का है। एंड मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लास्ट शॉट में मैंने बोल दिया कि पार्टी पे जा रहे हैं, तो पार्टी पे नहीं डिनर पे जा रहे हैं। खुशी को सुन गया था, पार्टी पे नहीं डिनर पे जाना है। एंड इट्स ऑल न्यू आईफोन, इतने ज़्यादा उसमें बोलना होता है क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जब वीडियोस बनाते हैं इतने एक्साइटेड, और ये इट्स ऑल न्यू आईफोन फॉर माय भाभी। एंड ये नया आईफोन, ये इट्स न्यू आईफोन, नया आईफोन, इतनी बार बहुत है। ओके तो ऐसा कुछ करना होता है अगर कुछ नई चीज़ दिखा दें तो। आज मेरे से लाइफ की सबसे बड़ी गलती हुई, मैंने इसको बोला जलेबी लेके आ जा, देखो लिफाफे में जलेबी लेके आया, सारी गाड़ी खराब हो गई, सारी गाड़ी में लिटरली बेटर वाला नहीं देखा आपके लिए कहा लाए हैं डैडी, जलेबी लाए हैं, डुम डुम लक लक डुम डुम लक लक डुम डुम लक लक डुम लक लक। तो पहले मोबाइल को रखा उस मामार्थ के बॉक्स में, उसके बाद अब रखेंगे उस बॉक्स को इस वाले बॉक्स में, उसके बाद इस बॉक्स को रखेंगे इस वाले बॉक्स में, और ये आई थिंक किसी हीटर का है, रूम हीटर का वो है बॉक्स अब इसके अंदर, और उसके बाद सारे इसे पैक कर देंगे। ये सिर्फ हम घर पे ही करेंगे, लेजेंड बंदे है ना। कितने लोग घर पे ही पैकिंग करते हैं, छुपाना मत, कमेंट करो जल्दी है नीचे जाके। एंड कितनी लड़कियां, हाँ एक और मैं पूछने वाला था कि कितनी लड़कियां ड्राइव कर लेती हैं और वो हमारी वीडियो देखती हैं, प्लीज़ वो भी कमेंट करना, हम उनको काउंट करेंगे। मैं देखूंगा कितनी लड़कियां हैं जो कमेंट करने आएंगी और वो ड्राइव कर लेती हैं। ये दो मुझे कमेंट चाहिए, एक तो वो और एक ये बताना कि घर पे पैकिंग कौन करता है, गिफ्ट कौन देता है घर पे पैक करके। कैटरीना मैम आप आ गई, कैटरीना मैम आप आ चुकी हैं बर्थडे पार्टी में। एक चीज़ और, एक चीज़ आप इस घर को यहाँ से देखो तो आपको लगेगा कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। अब हम ऊपर से दिखाएंगे। जब मैं पहली बार आई थी, मतलब मैं अभी तीसरी बार ही आई हूँ शायद यहाँ, जब मैं पहली बार आई थी ना मुझे भी ऐसा लगता है कि माँ मुझे कहाँ लेके आई है। बेसिकली ये हमारे ताऊ जी का घर है एंड ये ताऊ जी के बड़े बेटे हैं जिनके हम जा रहे हैं, उनकी वाइफ का बर्थडे है, इट मीन्स मेरी भाभी का। आज तो टाइम पर आ गए, ये कहता है आज तो टाइम पर आ गए, हैप्पी बर्थडे बर्थडे गर्ल जी तेरा गुजरे। अरे देख लो कितना लो बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे बर्थडे गर्ल। भाभी ये छोटा सा केक है, सो क्यों लगवा दिए भैया, चार सौ रुपये। भाभी कह रही है कि दो केक आ गए यार, तो हमें पहले बताता हमारे पैसे बच जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं चलो दोनों केक एक जगह से आए हैं। बड़ा भाई बड़ा रहा, छोटा भाई छोटा रहा है। बाबू ऐसा भी लिखा है इसके बर्थडे शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं था इसमें। नहीं मैं क्या सबसे सस्ता क्या चल रहा है, कह रहा अब तो सर्दियों वाला आइटम है, सारे सस्ते हो रहे हैं। मैं क्या बता दूं क्या है, आगे वो पड़ेगा मात्र 7,000 रुपये। मैं तुरंत पैक कर सीजन ऑफ था ना, तो तू मेरे लिए स्वेटर ले आ। नहीं इसमें कुछ है, है कुछ। Another night ruined, I don't even know when we became this way. असली रूप तो भाई है। अपने दोस्त में आगे ये है ये है हैवी कि नहीं ये है। अब बोल भी ले बाबू, अब इसे मत जाएगा छोटा लगे, कभी इसके अंदर पैक कर रखा हो देखो ये है। ज्यादा नहीं हो गया बात है, कितनी मेहनत करी, घर में कोई डब्बा नहीं छोड़ा। अरे नहीं ऐसा ना, इसे देखती ना, इसे देखती भाभी एकदम समझ जाती है, इस गिफ्ट को पैक देखती कर ले तो इधर बना देखो। इतना जितने तुमने बर्थडे मनाया ना अब इसी का चलेगा, अभी तो मैं दिखता हूं। अभी मैं सच्ची में इसे रूम हीटर नहीं समझी थी, मुझे मैंने कहा रूम हीटर नहीं तो वैसा हीटर हो। तो हम लोग आ चुके हैं घर पे, सबने चेंज करना शुरू कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, एम रखते हैं 1,00,000 लाइक का, 1,00,000 लाइक होते ही फिर 1,00,000 हो जाएंगे, मतलब सोच रहे होंगे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, 1,00,000 लाइक का एम रखते हैं। अब से एम रखा करेंगे यार कुछ, उससे क्या होता है पता लग जाता है कि अपने कितने फैम हैं जो लाइक कर रहे हैं वीडियो को, नहीं कर रहे हैं। तो 1,00,000 लाइक, जस्ट 1,00,000 लाइक करें नीचे जाके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस आउट।